अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक। तो मज़ीद हम अपनी क्लास को आगे बढ़ाएंगे। तो इस क्लास में मैं आपको प्रीपेयर्ड स्टेटमेंट्स के बारे में बताऊंगा। तो इनमें प्रीपेयर्ड स्टेटमेंट्स में यहाँ पर जब भी हम सबसे पहले मैं बताता चलूँ कि इधर कोई भी हम वैल्यू पुट करते हैं, ठीक है। मैं अभी एक रिकॉर्ड पुट कर देता हूँ, बिलाल, और यहाँ पर बिलाल शाह, ठीक है। एक रिकॉर्ड मैंने यहाँ पर फ़िलहाल जो मेरे पास रिकॉर्ड है वो जस्ट एक ही है। रिफ़्रेश कर लेते हैं, यहाँ पर भी रिफ़्रेश कर लेते हैं, तो एक और रिकॉर्ड इंसर्ट हो चुका। लेकिन यहाँ पर एक इश्यू ये है कि जब भी आप एप्लीकेशन बनाते हैं या कोई भी चीज़ बनाते हैं, तो इसमें डेटा आप ख़ुद नहीं लिखते, बल्कि जो भी डेटा आप लिखते हैं, इनपुट करते हैं, वो यूज़र करता है, आप ख़ुद नहीं करते। मतलब जितना भी वो डेटा होता है वो यूज़र की तरफ से आता है। तो इसमें एक बहुत बड़ा रिस्क होता है, रिस्क इस एसक्यूएल इंजेक्शन का होता है। तो एसक्यूएल इंजेक्शन क्या है, तो ये बेसिकली आपको पता होना चाहिए। अगर नहीं है तो आप मुझे बताएं, कमेंट में शो करें, तो मैं इंशाल्लाह आपको एसक्यूएल इंजेक्शन पे एक और क्लास बनाऊंगा। तो इसका सोल्यूशन ये है कि अगर हम डायरेक्टली जो एग्जीक्यूट करने की बजाय हम अगर प्रीपेयर स्टेटमेंट, ये जितनी भी डायरेक्टली एग्जीक्यूट की हुई है, इसकी जगह हम प्रीपेयर स्टेटमेंट्स यूज़ करें, तो वो इसमें मतलब हमें एसक्यूएल इंजेक्शन में मदद देंगी। प्रीपेयर प्रीपेयर स्टेटमेंट हमने यूज़ करनी है ना। और अब यहाँ पर हम इसको क्यूरी को हटाकर यहाँ पर स्टेटमेंट्स का जो स्टेटमेंट हमने लिख दी यहाँ पर, और इधर आकर हमने चूंकि वैल्यूज़ हैं, वैल्यूज़ में हमने प्लेस होल्डर देना है, या एक और मैं आपको बताऊंगा, क्वेश्चन मार्क आप दे दें, कोई भी आप दे सकते हैं। फिलहाल उसमें थोड़ा सा डिफरेंस हो जाता है क्वेश्चन मार्क में भी, कि आपको ये नहीं पता होता कि आपकी फील्ड कौन सी है, मतलब कौन से फील्ड में क्या डेटा जा रहा है। लेकिन फिर भी यहाँ पर अब मैं इसको फर्स्ट कर देता हूँ और इसको लास्ट कर देता हूँ। लास्ट करने के बाद ये देख सकते हैं हमारा कोड इसी तरह ही है। और अब यहाँ पर हम रिफ़्रेश कर लेते हैं ताकि कोई हमें पता चल जाए, कोई एरर वगैरह तो नहीं आया हुआ। और अब यहाँ पर रिफ़्रेश कर लेते हैं, तो अभी तक आप देख सकते हैं हमारे पास रिकॉर्ड इंसर्ट नहीं हुआ। तो रिकॉर्ड इसलिए इंसर्ट नहीं हुआ क्योंकि हमने यहाँ पर आगे मज़ीद हमने इसमें काम करना है, तो इसलिए रिकॉर्ड इंसर्ट होगा। यहाँ पर फिर दोबारा हम स्टेटमेंट फंक्शन के ऊपर एक मेथड यूज़ करते हैं, उसको मैं इसी तरह कॉपी कर लेता हूँ, फिर दोबारा इसको एग्जीक्यूट। और इसके अंदर हम जो प्लेस होल्डर हमने दिया हुआ है वो कर लेते हैं फर्स्ट। और इसके साथ वैल्यूज़ जो भी हमने देनी हो, फिर मैं अभी वैल्यूज़ तो यहाँ पर आई थिंक मैंने दे दी हैं, लेकिन अब मज़ीद मैं कोई वैल्यू देना चाहूँ तो यहाँ पर ABC कर लेते हैं। ABC मैंने कर ली। अब इसी तरह अगर फिर दोबारा हम एक और प्लेस होल्डर लास्ट कर देते हैं इसको, यहाँ पर हम वैल्यू एक्स वाई जेड कर देते हैं। और अब ये देख सकते हैं हमने इसको स्टेटमेंट्स को बाइंड कर दिया है, जस्ट हमने ये काम करना होता है इसमें। और यहाँ पर आकर रिफ़्रेश कर लेते हैं, और इधर भी अब रिफ़्रेश कर लेते हैं, हमारा जो रिकॉर्ड पहले नहीं इंसर्ट हो रहा था लेकिन अब इंसर्ट हो चुका है ABC। और इसी तरह लास्ट भी एक्स वाई जेड। मज़ीद अगर आपने यहाँ पर दोबारा कोई चेंज करना हो तो वो भी आप कर सकते हैं। अब हुआ यहाँ पर ये कि यहाँ पर मैंने इसको जो स्टेटमेंट थी इसको मैंने प्रीपेयर कर दिया, ठीक है। अब जितना भी यूज़र इसको आप इंसर्ट के साथ, अपडेट के साथ, डिलीट के साथ, इन के साथ मतलब आप कर सकते हैं, जहाँ पे भी आपने क्यूरी को एग्जीक्यूट करना हो।
अब यहाँ पर एसक्यूएल इंजेक्शन में मतलब पहले कोई चीज़ यूज़र इधर ऐसे कोई चीज़ लिख देता था कि जो हमारी पूरी क्यूरी ही चेंज हो जाती थी, लेकिन अब जहाँ पर यूज़र कोई भी क्यूरी स्ट्रिंग करता है, स्ट्रिंग इसमें इंसर्ट करता है, तो वो जस्ट एज अ वैल्यू ही जाएंगी फर्स्ट और लास्ट, ठीक है। वो उसमें मतलब हमारी क्यूरी चेंज नहीं कर पाएगा जो भी अगर एसक्यूएल इंजेक्शन अटैक करता है हमारी स्पेस पे। अब दूसरा तरीका इसमें ये होता है कि यहाँ पर अगर हम क्वेश्चन मार्क दे दें तब भी हमारा जो प्लेस होल्डर की जगह हम क्वेश्चन मार्क दे देते हैं, और इसको भी हम ऐसा करते हैं, फिर हमें ये कि मैनिपुलेशन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि जस्ट हमें इसी एरे में लेकर जाना पड़ेगा, जस्ट वैल्यू हम इसमें इंसर्ट करेंगे। अब मैं इसमें पहले मैंने वैल्यू कौन सी इंसर्ट किया अभी आपको डिफरेंस पता चल जाएगा, ए बी सी जो मैंने कैपिटलाइज किया था, और अब मैं ए बी सी और फिर दोबारा एक्स वाई जेड, अब यहाँ पर रिफ्रेश कर लें तो फिर यहाँ पर भी रिफ्रेश कर लें तो देख सकते हैं कोर रिकॉर्ड इंसर्टेड हो चुका दूसरे तरीके से। पहले ये थोड़ा छोटा था, अब ये बड़े इससे रिकॉर्ड से इंसर्ट हो चुका है। तो अब हुआ इधर यहाँ पर ऐसा कि यहाँ पर जो वन इंड ज़ीरो सॉरी ज़ीरो इंडेक्स था वो इस क्वेश्चन मार्क के साथ रिप्लेस हो गया, और ये जो वन इंडेक्स था वो इसके क्वेश्चन मार्क से रिप्लेस हो गया। और इसी तरह अगर मज़ीद आपके रिकॉर्ड्स होते हैं तो आपके मतलब वो 1 2 3 4 5 6 वो इन क्वेश्चन मार्क्स के साथ रिप्लेस हो जाएंगे। तो आपके पास दोनों चीज़ें हैं, अगर आप प्लेस होल्डर की तरह के साथ करना चाहें तो उस तरह भी कर सकते हैं, अगर आपने इस तरह करना है तो इस तरह भी हो सकता है क्वेश्चन मार्क दे के भी। तो मतलब आपका दोनों तरीके से रिकॉर्ड इंसर्ट होगा। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप इसको लाइक ज़रूर कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए मुझे इजाज़त दें, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।